हेलो डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में काफ़ी डिबेटेड क्वेश्चन होता है कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको ये मतलब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, आप इसको कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं कि देर आर हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में टेंसेज कितने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं ये पहली बार क्वेश्चन ऐसे क्यों आया है, लोगों ने ये क्यों शुरुआत की कि मतलब नंबर ऑफ टेंसेज को लेकर कन्फ्यूजन क्यों हुआ, ठीक है, क्या लॉजिक्स हैं लोगों के कि जो नंबर ऑफ एक जो एस्टेब्लिश नंबर ऑफ टेंसेज हैं इंग्लिश में 12, वो उसको मतलब क्यों अपोज करते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या उनके इसके अगेंस्ट में लॉजिक्स क्या हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक्चुअल में रियली नंबर ऑफ टेंसेज कितना है इंग्लिश में, वो भी मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। मतलब इस पूरे कन्फ्यूजन को मेरी कोशिश होगी कि आज हम खत्म करें और नंबर ऑफ टेंसेज को लेकर एटलीस्ट कोई कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए, स्पेशली जब हम फंक्शनल ग्रामर की बात करते हैं या फिर जब हम कंपटीशन का सिलेबस पढ़ते हैं, तो उसमें जो टेंस होता है आपका, ये एक तरीके से बैकबोन होता है, उस सिलेबस का बैकबोन होता है टेंस। और टेंस के काफी ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, काफी ऐसे मतलब यूसेस होते हैं जो दूसरे चैप्टर्स में एप्लीकेबल होते हैं और अफेक्ट करते हैं दूसरे चैप्टर्स के, जैसे मोस्ट प्रोबेबली सबसे तो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स टेंस पे डिपेंडेंट होते हैं वो वॉइस एंड नरेशन होते हैं आपके, ठीक है, कि वॉइस एंड नरेशन हमारे कंपटीशन के एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। तो एनी कंफ्यूजन इन टेंस विल लीड टू फर्दर कंफ्यूजन इन वॉइस एंड नरेशन, तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, बाकी अगर कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो कि अभी स्कूल गो अरे स्कूल जाता है, ठीक है, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि देर आर हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश, क्योंकि जो हमारा स्कूल या कॉलेज में हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है उसके हिसाब से दे फॉलो द वेल एस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और उन बच्चों को उनके टीचर्स 12 टेंसेज ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन तब तक नहीं आया होता है। लेकिन जब बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश के टीचर्स जो होते हैं फिर उनके दिमाग में बातें डालनी शुरू करते हैं कि कोई कहेगा टेंस एक होता है, किसी के अकॉर्डिंग टेंसेज दो होते हैं, किसी के अकॉर्डिंग टेंसेस 4 होते हैं, किसी के अकॉर्डिंग टेंसेस कितने भी होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये वीडियो है ये हेल्प करेगा उन बच्चों को जो कंपटीशन के लेवल पे इंग्लिश को डील करते हैं ओपन मार्केट में, ठीक है, जो स्कूल कॉलेज की बाउंड्री के अंदर अपने क्लासरूम के अंदर टेंस सीखते हैं या जो अभी सीख रहे हैं उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, वो क्लियर है, ठीक है, दे आर ओके विद वट एवर दे हैव बीन टॉट, उनको जो भी पढ़ाया गया वो उसके साथ में ठीक है। ये दिक्कत उनके साथ होती है जो ओपन मार्केट में इंग्लिश सीखने आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग उनके अपने लॉजिक्स हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के उनके मतलब मेथड्स हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली उनके लिए। चलिए, तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका स्टार्ट करता हूँ। तो आज के जो हमारा वीडियो है ये इस क्वेश्चन देर आर हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। देखिए, एक दो बेसिक बात है जो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मेरा मतलब मुझे लगता है कि मुझे पहले ये आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए एक बार भले ही ओरली कि टेंस है क्या, ठीक। तो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेंस की वो है कि इट इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स को, ऐसी वर्ब की फॉर्म्स जो टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करें, ठीक है। अब टाइम के पॉइंट्स क्या हो गए, एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम इसको टाइम लाइन कंसिडर कर लें तो इस पर जो हमारा एग्जिस्टेंस का टाइम है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इससे पहले जो भी टाइम बीत चुका है वो सब पास्ट है, और अभी जो टाइम आना है वो सब फ्यूचर है। तो जब हम टाइम कहते हैं तो टाइम का मतलब इन्हीं थ्री कैटेगराइजेशन से होता है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, डन। उसके बाद में वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म से पहले वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड विच रेफर्स टू सम एक्टिविटी और स्टेट। वर्ब हम कहते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को जो किसी एक्टिविटी या किसी स्टेट को रेफर करे, वो वर्ब है, ठीक है। लेकिन हम वर्ब को टेंस ना कहके वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, देखिए वैसे तो लोग अलग अलग तरीके से वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते हैं, कई बार बच्चों को वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा दी जाती हैं, V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, इस तरीके से। हालांकि मैं अपना थोड़ा दूसरे तरीके से बच्चों के साथ में वर्ब फॉर्म्स को डिस्कस करता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, ठीक है, बस इतना है। तो मैं जब वर्ब फॉर्म्स पढ़ाता हूँ तो फर्स्ट फॉर्म
सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म और खत्म, ठीक है। अच्छा, कई बार बच्चे जैसे ओपन मार्केट की वही बात हो गई कि जब आप ओपन मार्केट में इंग्लिश सीखते हैं जाके, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग लोग चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लोग काफी ज्यादा डेस्परेट भी होते हैं कि उनको बड़ी जल्दी बच्चों को इम्प्रेस करना है या बच्चों को मतलब बड़ी जल्दी से जादू दिखाना है, तो इस डेस्परेशन में गलतियां करते हैं। इस डेस्परेशन में कुछ ऐसा कह जाते हैं बच्चों के सामने, कुछ ऐसा कमिट कर जाते हैं विच डिजेंट होल्ड ट्रुथ, जो मतलब सच नहीं होता है और जो प्रूव नहीं किया जा सकता है, दैट इज नॉट इवन प्रूवेबल। बच्चे उस समय नहीं समझ पा रहे होते हैं, लेकिन जब कभी वो समझदार बनते हैं, ठीक है, तो उनको पता चल जाता है कि वो गलत था, ठीक। तो खैर, कई बार वर्ब को बच्चों को वर्ब की फॉर्म्स ऐसे पढ़ा जाती हैं, V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, मतलब V5 यही ING फॉर्म होती है, इसे V5 कहते हैं लोग, ठीक है। खैर, आप इन दोनों में से जो भी पैटर्न फॉलो करते हो वर्ब फॉर्म्स के लिए, चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, या V1, V2, V3, V4, V5 के चक्कर में आप जैसे भी पढ़ते हो, फिलहाल में ये वर्ब की फॉर्म्स हैं। हमने यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स को समझने के लिए ना एक गो वर्ब को मतलब एग्जाम्पल ले लिया, वर्ब का एग्जाम्पल हमने गो ले लिया। बाकी तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप गो की जगह चाहो तो ईट लिख सकते हो, स्पीक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल में हमने गो वर्ब को एग्जाम्पल यहाँ पे मान लिया टेंस को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो देखिए, एक तो इसकी फॉर्म ये हो गई बेस फॉर्म, एक ये गोज हो गई थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, एक वेंट हो गई सेकेंड फॉर्म, एक गोइंग हो गई आईएनजी फॉर्म, और एक गोन हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं आप ये भी समझ गए, टाइम के पॉइंट्स क्या होता है ये भी समझ गए। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था कि देयर आर हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश। अब देखिए, सभी को पता है कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें 12 टेंसेज पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। थ्री इनडेफिनिट टेंसेज इन प्रेजेंट पास्ट एंड, सॉरी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, थ्री पॉइंट्स हो गए, फोर स्टेट्स हो गए एक्शन की, फोर थ्री या 12 टेंसेज हो गए। तो हमें 12 टेंसेज स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही ओपन मार्केट की बात, जब हम ओपन मार्केट में कभी किसी पर्सन से इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो वहां पे दुनिया भर की बातें होती हैं। मैं चाहता हूँ आज वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो हमारे क्वेश्चन था देर आर हाउ मेनी टेंसेज इन इंग्लिश। अब कंफ्यूजन क्या होते हैं, मैं इनको लेकर आपसे बात करता हूँ, जो मतलब बच्चे पूछते हैं जिन बैचेज में मैं पढ़ाता हूँ, या जो हमसे मुखर्जी नगर में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके क्वेश्चन जो होते थे, उनके जो लॉजिक्स होते थे टेंस के नंबर को लेकर, वो कंफ्यूजन ये होते हैं। देखिए, सम पीपल डोंट कंसिडर फ्यूचर इवेंट्स फैक्ट्स। कुछ टीचर्स ऐसे रहते हैं जो फ्यूचर इवेंट्स को फैक्ट कंसिडर नहीं करते, वो ये मानते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो फैक्ट्स नहीं होते हैं। चूंकि वो फैक्ट नहीं होते हैं तो वो इंडिकेटिव मूड नहीं हो सकते। अच्छा, इंडिकेटिव मूड नहीं हो सकते तो टेंस के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारे टेंस होता है ये इंडिकेटिव मूड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो टेंस है वो बेसिकली वर्ब का इंडिकेटिव मूड है, और वर्ब का इंडिकेटिव मूड वो है जो फैक्ट को एक्सप्रेस करे, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर को लेकर लोगों को अपना ओपिनियन ये है कि भाई फ्यूचर तो एक प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए मैंने कहा आई विल हेल्प यू, सो दैट इज नॉट अ फैक्ट। हो सकता है मैं उस समय जब आपको मदद की जरूरत हो मैं वहां पर रहूं ना, या हो सकता है तब तक आपको मदद की जरूरत ही ना रहे जो मुझे मदद आपकी करनी पड़े, मतलब। तो फ्यूचर इवेंट्स को वो ये कहते हैं कि ये फ्यूचर इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज हैं, ये फैक्ट होते नहीं है। तो चूंकि ये फैक्ट होते नहीं है तो हमें इनको फिर इसमें टेंस में कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये मूड अलग चला गया, मोडेलिटी एक्सप्रेस हो जाती है, मतलब फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं मोडेलिटी का रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इसलिए उन्हें विल सेल के साथ लिखा जाता है, दे आर नॉट फैक्ट्स, ठीक है। सो दे डोंट कंसीडर देम, क्योंकि वो फैक्ट नहीं होते हैं तो इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में नहीं आते, इंडिकेटिव मूड की कैटेगरी में नहीं आते तो फिर उसको टेंस भी नहीं मानते। तो वो जो फ्यूचर के फोर टेंसेज होते हैं, 12, तो देखिए 12 तो हमारे वेल एस्टेब्लिश टेंसेज हो ही गए, ठीक है। लेकिन अब वो लोग मतलब ये ओपन मार्केट की मैं आपको कहानियां समझा रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेज के टीचर्स हैं जो मतलब एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम, ये कंफ्यूजन बच्चों को ओपन मार्केट में होता है, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, या फिर मतलब मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे मुखर्जी नगर पता है, या जो भी हब है, पटना हो गया, जयपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कहीं भी हो गया, मान लीजिए वाराणसी हो गया, तो वहां पे लोग डेस्परेट, मतलब हम लोग, मतलब मैं दूसरों को नहीं कहूंगा, मैं खुद भी उसी कैटेगरी में अपने को रख लेता हूँ। तो ओपन मार्केट में टीचर्स कई बार डेस्परेट होते हैं, कंपटीशन होता है, या फिर बच्चों को ज्यादा इंप्रेस करने का दबाव होता है, या ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं। ऑनलाइन जैसे ये जो है इसमें तो ज्यादा ही डेस्परेट हैं टीचर्स, वो मतलब शेयर और सब्सक्राइब और लाइक बढ़ाने के चक्कर में जो चाहे कह देंगे, चाहे उसका कोई सिर पैर हो या ना हो, ठीक है। अच्छा, आप तो कुछ भी कह दोगे ठीक है, लेकिन आप बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन डाल रहे हो। वो जो लर्नर है वो उस कंफ्यूजन के साथ में ना इंग्लिश को कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, उसको कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा सीखने में, वो हमेशा सफर करता रहेगा, क्योंकि कभी क्लैरिटी अचीव नहीं कर पाएगा। वो देखेगा एक सर है वो पढ़ा रहे हैं कि टेंस दो होते हैं, एक सर है वो पढ़ा रहे हैं टेंस चार होते हैं, एक सर है वो पढ़ा रहे हैं, एक मैडम है वो पढ़ा रहे हैं टेंस 10 होते हैं।
मैं तो खैर कितने मानता हूँ अभी आपको बताऊंगा ही, मेरे हिसाब से कितने टेंसेस होते हैं, ठीक है, वो तो मैं भी आपको बता ही दूंगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में आ जाता है। हम टीचर्स का काम क्या है? टीचर्स का काम है कि बच्चों को क्लैरिटी देना कि जिस पर्पज के लिए ये लर्निंग कर रहा है वो इसका पर्पज लास्ट में फुलफिल हो जाए। और हम पता चले बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दें, हम बच्चों को इतना ज्यादा मतलब उलझा के रख दें कि वो सही गलत को समझ ही ना पाए, और फिर वो कंफ्यूजन फर्दर आगे जाएगा, वो अपने से छोटे जो उसके भाई बहन हैं, अपने जो उसके दोस्त हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी वो चीजें डिस्कस करेगा, उनको भी कंफ्यूज करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो टेंस के नंबर को लेकर कंफ्यूजन है आज खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए 12th तो एस्टेब्लिश टेंसेस होते हैं। अब वो लोग जो फ्यूचर इवेंट्स को फैक्ट्स नहीं मानते हैं, सही भी है उनका पॉइंट एक तरीके से, आधा सही है, मतलब वो पूरी बात को समझ नहीं रहे हैं इसीलिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन वो जितना समझ रहे हैं उतना तो वो सही समझ रहे हैं कि फ्यूचर इवेंट्स फैक्ट्स तो होते नहीं है, तो इंडिकेटिव मूड में होने नहीं चाहिए, इंडिकेटिव मूड नहीं है तो उनको टेंस भी नहीं मानना चाहिए। तो जो फ्यूचर के 12 में से जो 3 एस्टेब्लिश टेंसेज होते हैं फ्यूचर के, 4 सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनको तो उन्होंने टेंस मानने ही नहीं है, ठीक है, तो वो 4 तो ऐसे माइनस हो गए, बच गए 8। एक तो ये लॉजिक टेंस के नंबर को लेकर जो लोग डिस्प्यूट करते हैं उनका। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपना अगर एक डिस्प्यूट, मैं भी मतलब बाल के खाल मैं भी कई बार निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं और ये मान लूं कि चलो भाई आपके 8 सही है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस जो होता है वो इंडिकेटिव मोड नहीं होता, तो आप उसको हटाओ, टेंस की कैटेगरी से हटा दिया हमने, ठीक है, हमने 8 मान लिया। अब मेरा अपना एक पॉइंट ये है कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कि टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर रेफर करे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं ना वो टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर रेफर नहीं करते, वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का मिक्सचर होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को हमने एक साथ में रख दिया, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूअस एक टाइम रेफरेंस है, परफेक्ट एक टाइम रेफरेंस है, ठीक है, मैं जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, सपोज ये एक टाइम लाइन है और इस पे मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, और मतलब ये प्रेजेंट पॉइंट है, इससे पहले सब पास्ट है, इसके बाद में सब फ्यूचर है। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस ये होता है कि जिस समय हमारा प्रेजेंट का पॉइंट है और कोई एक्शन उससे पहले से इफेक्टिव है और बाद में भी उसे इफेक्टिव रहना है, बात मतलब ये पॉइंट नहीं बन रहा है यहाँ पे, उसे बाद में भी इफेक्टिव रहना है, तो ये है कॉन्टिन्यूअस टाइम रेफरेंस, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन का टाइम रेफरेंस हो गया कि मतलब वो एक्शन जिस समय उसके बारे में बात की जा रही है उससे पहले से इफेक्टिव था और आगे भी इफेक्टिव रहेगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट ये होता है कि कोई एक्शन जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, जिस समय हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं, उस पॉइंट पर आके कंप्लीट हो गया, मतलब वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो पास्ट में इफेक्टिव था और प्रेजेंट पे आके उसका फिनिश हो गया, मतलब एंड हो गया, तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस का रेफरेंस। तो ये टाइम जो है ये परफेक्ट टेंस का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो टाइम है ठीक है ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रेफरेंस है। अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई अलग नहीं होता है, वो इन्हीं का एक साथ में रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो किसी स्पेसिफिक टाइम को रेफर नहीं करता, वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को एक साथ में रख के बन जाता है टेंस, तो इस हिसाब से वो कोई चूंकि स्पेसिफिक टाइम को रेफर नहीं करता तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को टेंस नहीं मानना चाहिए, मैं तो मतलब उसको नहीं मान सकता, क्योंकि जो अगर टेंस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको फॉलो करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज आर नॉट एक्चुअली टेंसेज, वो टेंसेज तो है नहीं क्योंकि वो टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को तो रेफर नहीं कर रहे, वो तो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के ही टाइम को रेफर कर रहे हैं एक साथ में, ठीक है, तो वो कोई डिफरेंट टाइम तो नहीं हुआ। तो इस हिसाब से हम देखें तो 12 में से 4 तो फ्यूचर के लॉजिक से माइनस हो गए, 2 ये मेरे लॉजिक से भी माइनस होने चाहिए, थोड़ा सा मेरा भी मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अब कुछ और लोगों के लॉजिक्स देखो, देयर आर सम अदर पीपल, कुछ और लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है ये टाइम के पॉइंट को कहां रेफर करती है, लॉजिक सही है, टाइम के पॉइंट को तो रेफर नहीं करती ना, क्योंकि जो गोइंग है इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी लिखते हैं, फ्यूचर में भी लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि गोइंग प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर को रेफर कर रही है, वही थर्ड फॉर्म्स के साथ में भी होता है। अब थर्ड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में भी लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म को हम प्रेजेंट के परफेक्ट में भी लिखते हैं, पास्ट के परफेक्ट में भी लिखते हैं और फ्यूचर के परफेक्ट में भी लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो गॉन है या गोइंग है, मतलब गॉन और गोइंग से मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती है वो टाइम के पॉइंट को रेफर ही कहाँ करती है, वो तो टाइम के पॉइंट को रेफर नहीं करती है, और एक्चुअली में सच्चाई भी यही है कि वो वास्तव में टाइम के पॉइंट को रेफर नहीं करती, वो एक्शन की स्टेट को रेफर करती है, आईएनजी फॉर्म जो होती है ये शो करती है वो एक्शन जो है जिस समय उसकी बात की जा रही है वो पहले से इफेक्टिव था बाद में भी रहेगा। अच्छा थर्ड फॉर्म जो होती है परफेक्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म वर्ब की ये शो करती है कि वो एक्शन पहले से इफेक्टिव था और उस पॉइंट पे जब उसका रेफर किया गया कंप्लीट हो चुका था। तो चूंकि ये दोनों वर्ब की फॉर्म टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो इनके साथ जो हम कॉन्टिन्यूअस और जो
परफेक्ट टेंस बनाते हैं, वो टेंस के कैटेगरी में नहीं जाने चाहिए क्योंकि वर्ब के फॉर्म टाइम के पॉइंट को तो रेफर ही नहीं करते। तो इसके हिसाब से देखें तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो ये फोर टेंसेस और हमें माइनस कर देने चाहिए इसमें से, क्योंकि ये तो वर्ब के फॉर्म टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो लो हमने फोर और माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आपके माइनस जो है ये प्लस होके 12 10 हो जाएंगे, और 12 में से ये माइनस करोगे तो आपका टू आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के टेंसेस फिर वही बात घूम के आ गई कि भाई टेंसेस तो दो ही हुए। अच्छा, जो टीचर ये डिस्प्यूट करते हैं, जो बच्चों को अपने ये पढ़ाते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, वो यही होते हैं दो वाले ही। वो हालांकि कुछ ऐसे भी जो फ्यूचर को नहीं मानते, तो वो चार हटा देते हैं एकदम से अलग, ठीक है, उन्होंने अपने आठ मान लिए कि आठ टेंसेस होते हैं। ठीक है, मैं उनमें से परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हटा दूंगा, अगर इसी तरीके से पढ़ना है अपने अपने हिसाब से, तो फिर मैं सिक्स ही रखूंगा। ठीक है, अच्छा फिर कुछ और रहेंगे, वो आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म को टेंस नहीं मानेंगे, बिकॉज आईएनजी फॉर्म वो थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है वो टाइम के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, तो वो फिर फोर और हट जाएंगे, तो सिक्स में से फोर माइनस हो जाने से टू बचेंगे। खैर, बात तो शुरू हुई है, ठीक है, अब इसको खत्म करने की तरफ बढ़ाते हैं, आ जाइए। अब मैं अपने लॉजिक्स देता हूँ टेंस के नंबर्स को लेकर, ठीक है, आप मेरे लॉजिक्स को सुने समझें माने ना, समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप मान लोगे, नहीं समझ में आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन माने ना। देखिए, अब अगर मैं इसी तरीके से अपने अपने तरीके से लॉजिक्स के थ्रू टेंस के नंबर को मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैंने कहा कि भाई नहीं, ये जो 12 टेंसेज हमें पढ़ाए जाते हैं ये सब बकवास है, हटाओ सब, ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ वो सही है क्योंकि मैं हूँ काबिल, ठीक है, तो मैं जो बताऊंगा वो सही हो जाएगा। तो मैं मेरे लॉजिक्स देखो, मैं टेंस के नंबर्स को प्रूव करने के लिए अपने कुछ लॉजिक्स देता हूँ, आप समझना। मैं तो कहता हूँ कि केवल एक ही टेंस होता है इंग्लिश में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, और कोई टेंस नहीं होता। तो एक तो मैं ये बात प्रूव करना चाहूंगा कि इंग्लिश में टेंस एक ही होता है। अगर भाई आप वर्ब की जो जो टेंस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है, तो इस हिसाब से तो पास्ट इंडेफिनिट ही हुआ, बाकी तो कोई नहीं हुआ। अच्छा देखिए, जो गोज है और गो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हो तो जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं, फ्यूचर एक्शंस जैसे होते हैं ना फ्यूचर के, तो हम उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। फ्यूचर एक्शंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज के जो फ्यूचर एक्शंस होते हैं उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं, ठीक है, या जो इंपेरेटिव मूड होता है, इंडिकेटिव मूड नहीं, जो इंपेरेटिव मूड होता है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं गो देयर, या जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं गो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो गोज और गो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की फॉर्म्स, इनको तो हम फ्यूचर में यूज कर लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है केवल डेडिकेटली प्रेजेंट को रेफर करती है, तो फ्यूचर को भी रेफर कर सकती है। हाँ, वेंट जो होती है ये इंडिकेटिव मूड की ऐसी वर्ब होती है जो केवल पास्ट इंडेफिनिट को ही रेफर करती है, लेकिन जो गो और गोज हैं इनको तो हम इंडिकेटिव मूड में भी फ्यूचर टेंस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो वर्ब की एक ही फॉर्म है जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करती है, तो वेंट है, पास्ट इंडेफिनिट तो टेंस तो इंग्लिश में एक ही हुआ, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वही टेंस हुई, बाकी तो कोई भी नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, बाकी जो वर्ब की फॉर्म्स का मतलब जैसे गोज है, गो है, गोइंग है, गोन है, तो गोइंग ऑन तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है इस स्टेट एक्शन की स्टेट को रेफर करती है, टाइम के पॉइंट को तो रेफर ही नहीं करती, तो इनको तो हम टेंस वैसे ही नहीं मानेंगे। अच्छा, गो और गोज को इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि गो और गोज होती है वो ऐसे नहीं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करती है, वो तो फ्यूचर में भी यूज होती है, जो फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, दे विल हेल्प हिम व्हेन ही गोज देयर। अभी हमने गोज लिखा, आपको इसको मानना तो इंडिकेटिव मूड पड़ेगा, आप इसको इंपेरेटिव मूड या फिर आप इसको सब्जेक्टिव मूड तो मान नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन अपने आप देख लो ये जिस टाइम को रेफर कर रहा है वो टाइम प्रेजेंट तो है नहीं, वो टाइम तो फ्यूचर है, ठीक है, तो ये जो गो और गोज है इनको तो हम फ्यूचर में भी यूज कर लेते हैं, तो ये डेफिनेट टाइम को तो रेफर नहीं करती है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर किसी को भी रेफर कर सकती है, तो इसका मतलब वो जो वेंट है वही पास्ट को रेफर करती है हमेशा, बाकी किसी को रेफर नहीं करती, तो फिर वो टेंस हो गई। चलो खैर, ये मतलब एक छोटा सा लॉजिक है। दूसरे पे आ जाते हैं, देर आर टू टेंसेस, कि भाई टेंस एक नहीं दो होते हैं, कौन कौन से दो होते हैं, एक ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और एक वेंट। ज्यादातर लोग दो इन्हीं को मानते हैं, ये जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन डालते हैं, ये वही टीचर्स हैं जो इन्हीं दो फॉर्म्स को टेंस कहते हैं, वो कहते हैं बस गोज और वेंट यही दोनों वर्ब की फॉर्म्स जो होती है वो टाइम के पॉइंट्स का रेफर करती है, तो ये टेंस है, बाकी जो बच गई, बाकी क्या बच गया, देखो गो बच गया, गोइंग बच गया,
और कौन बच गया। तो गोइंग ऑन, तो आप खैर मैं खुद भी कहता हूँ कि ये टाइम के पॉइंट्स को नहीं रेफर करती हैं, तो ये तो हटाओ, ये तो टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जो गो है, ठीक है, ये भी कोई डेफिनेट टेंस नहीं है। अब इसको लेकर दिक्कत क्या है, ये जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव जब हमें चाहिए होता है तब भी हम इसी का यूज करते हैं, करते हैं। प्रेजेंट सब्जेक्टिव में इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में इसका यूज करते हैं। बाकी छोड़ो, पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ इसका यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि गो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, जब हम कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही रेफर करेगी, वो पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज हो सकती है। डिड के साथ लिखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट बना देगा, ठीक है। या जहां पर बेयर इन्फिनिटिव हमें जरूरत पड़ते हैं वहां तो टेंस होता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटिव एक मूड है, इंडिकेटिव मूड तो इन्फिनिटिव होता नहीं है, तो उसका अपना कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज आती है। तो वो कहते हैं कि भैया यही दो वर्ब की फॉर्म्स हैं जो कि मतलब टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि बहुत हद तक वो बात सही कहते हैं, बट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं लास्ट स्लाइड पे भी आपके साथ में मतलब डिस्कस करूंगा, अभी भी कर लेता हूँ, कि जिससे आपको थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आती रहे। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई गो जो है इसके दो फॉर्म गोज और वेंट यही टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो बस यही दो टेंस हैं, बाकी नहीं है। अब मान लो मैं यहाँ पे गो की जगह वर्ब पुट लिख दूं, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब ये पुट्स जो है, अब तो यही टेंस बच गया, क्योंकि पुट और पुट तो एक ही से हो गए, तो अब तो एक ही टेंस बचे। तो मतलब बहुत से लूप होल्स हैं। आप जब तक बात को पूरा नहीं समझते हो या पूरा नहीं समझा सकते हो तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ये हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बेमतलब के कंफ्यूजन्स क्रिएट कर देती हैं, और हमारा बच्चा सीखना चाहता है, समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन हम गलत तरीके से उसको सिखाना समझाना पढ़ाना चाहते हैं, फिर वो कंफ्यूजन में फंस जाता है, बुरे तरीके से सीख नहीं पाता। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि गोज और वेंट वर्ब की सेकंड, ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही टेंस होती है? बहुत सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती हैं, उनके लिए क्या कहोगे फिर? लेकिन चलो खैर, वो अभी मैं धीरे धीरे देखो आपको समझाता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये टू, देखो यहाँ पे मैंने एक लॉजिक दिया टेंस वन होने का, ठीक है, वो कितना सही है कितना गलत है बाद में प्रूव होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक दिया टेंस टू होने के, वो कितने सही है कितना गलत है वो भी मैं बाद में खुद ही प्रूव कर दूंगा। अब मेरा एक लॉजिक और समझना, इफ द वर्ब फॉर्म इज कॉल्ड टेंस, अगर हम वर्ब की फॉर्म को टेंस कहते हैं, देन देयर आर थ्री टेंसेस, गो, गोज एंड वेंट। भाई आप वर्ब की फॉर्म को टेंस कह रहे हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे टेंस हो गए तीन, गो, गोस, गए। अब देखो जैसे हमने लिखा दे गो देयर, ठीक है, ही गोज देयर, ठीक है, और दे वेंट या ही वेंट देयर। अब ये तो हमें कंफर्म है कि ये जो हमने गो लिखा है, गोस लिखा है, वेंट लिखा है, ये इंडिकेटिव मूड है, क्योंकि ये फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये इंडिकेटिव मूड है, तो इस वर्ब को हमें टेंस मानना पड़ेगा। अब ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, ये भी टेंस है। वजह क्या है कि ये लिखे गए स्टेटमेंट फैक्ट्स हैं और ये जो वर्ब्स हैं ये इंडिकेटिव मूड की वर्ब्स हैं, तो इंडिकेटिव मूड की वर्ब होने की वजह से इनका टेंस में कैटेगराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इनका टेंस में कैटेगराइजेशन हो जाएगा तो हम देखें तो वर्ब की फॉर्म्स तो तीन है, एक गो है, एक गोज है और एक वेंट है, और हमें पता है कि टेंस हम वर्ब की फॉर्म को कहते हैं। यहां तो वर्ब की फॉर्म तीन है, एक वर्ब की फॉर्म ये है, एक ये फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, वर्ब एक ही है लेकिन तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तब तो हमें तीन टेंस मान लेना चाहिए, नहीं? क्योंकि भाई आप वर्ब की फॉर्म को ही तो टेंस कहते हो, तो वर्ब की तीन फॉर्म है तो ये तीन टेंस हो गए। अब कहेंगे क्या कि नहीं ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं भाई, ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हैं, आप इसको कहो प्रेजेंट इंडेफिनिट ए, इसको कह दो प्रेजेंट इंडेफिनिट बी, या इसको कह दो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको कह दो प्रेजेंट इंडेफिनिट डैश। मतलब चूंकि वर्ब की फॉर्म को टेंस कहा जाता है, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गए तो आपको टेंस भी चेंज कर देना चाहिए। मान लो आप उसको दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहना चाहते हो, लेकिन चूंकि ये दोनों डिस्क्रीट हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट हैं, तो आप इसको कह दो प्रेजेंट इंडेफिनिट ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बी। तो इस हिसाब से तो तीन टेंस होने चाहिए, क्योंकि अगर वर्ब की फॉर्म ही टेंस होती है तो ये तो तीन वर्ब की फॉर्म्स है, तो तीन टेंस को इन्हें दो क्यों कहते हैं, इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, ठीक है। खैर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है कि जब हम वर्ब कहते हैं तो लोगों के साथ में दिक्कत क्या है, जो मतलब बच्चे हैं या कोई भी है, वो वर्ब का मतलब केवल वर्ब मान लेते हैं। देखिए वर्ब का मतलब केवल वर्ब नहीं है बच्चे, वर्ब के साथ में यूज होने वाली जो ऑक्सिलरीज हैं जो उसको हेल्प कर रही हैं वो भी वर्ब का ही पार्ट होती हैं। जैसे मैं कह दूं ही गोज देयर और मैं कह दूं ही इज गोइंग देयर, तो यहां पर आपको समझना यह है कि ये जो गोज है और इज गोइंग है ये वर्ब हैं, दोनों वर्ब हैं।
आप इसको चाहो तो वर्ब फ्रेज कह दो, अपनी तसल्ली के लिए आप इसको वर्ब फ्रेज कहो। मतलब फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। जब हम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को एक यूनिट के तरीके से यूज करते हैं, वी कैन कॉल इट अ फ्रेज, तो हम उसको फ्रेज कह देते हैं। तो आप इसको इनको वर्ब फ्रेज कह दो, लेकिन ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, ठीक है। अब होता क्या है, लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वो वर्ब केवल गोइंग को मानेंगे, इस गोइंग को पूरी को वर्ब नहीं मानेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं होता, ही सब्जेक्ट है, इज गोइंग वर्ब है, दे आर एडवर्ब है, ठीक है। तो ये जो हम वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, ठीक है, चाहे उसकी टाइम को रेफर करने के लिए कि वो वर्ब कौन से, मतलब वो वर्ब किस टाइम के एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, या पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, या फिर मतलब मॉडेलिटी शो करने के लिए। तो वर्ब के साथ में जो हम ऑक्जिलरीज यूज करते हैं, वो ऑक्जिलरी और वर्ब इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मतलब को एग्जिस्ट करती हैं, एक साथ ही उनका एग्जिस्टेंस होता है, और वो रिलेटिव होते हैं, आप उनको सेपरेट कंसिडर नहीं कर सकते। आप इनको दो ग्रामर का मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं मान सकते सेंटेंस का। ये सेंटेंस का एक पार्ट है वर्ब, ये सेंटेंस का एक पार्ट है सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का एक पार्ट है प्रेडिकेट, ठीक है। तो जो वर्ब के साथ में लिखी गई हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है, तो वो जो वर्ब फ्रेज बनती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, अगर हम उसको एक सिंगल वर्ब माने, अगर हम ये माने कि भाई जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है और उसके साथ में मेन वर्ब लिखी है, ये दो वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब है, जो कि हमें मानना चाहिए क्योंकि वो एक ही होती है, ठीक है। तो अब आपके टेंसेस हो जाएंगे सेवन। सेवन क्यों हो जाएंगे समझना, एक तो वो गोज और वेंट, ये तो पहले से ही थे, और ये गो, ये तीन टेंस तो पहले से ही थे, गो गोज वेंट। अब क्या होगा, एक टेंस बनेगा बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर और उसके साथ में गोइंग, इज एम आर के साथ में गोइंग, तो एक ये बढ़ गया, तो तीन पहले, चार पहले, तीन पहले से थे, ये फोर टेंस हो गया। अच्छा दूसरा हैव के साथ, हैव की प्रेजेंट फॉर्म के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं ना, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म हैज या हैव में से किसी एक के साथ में, तो ये फिफ्थ टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। फिर बी की फॉर्म के साथ पास्ट का एक्शन इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है, सॉरी वॉज वर्ब के साथ में गोइंग, तो ये सिक्स्थ टेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा फिर पास्ट की जब हैव में पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज करते हैं, उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं कौन, ठीक है, तो ये हमारा सेवन टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। तो अगर हम वर्ब का मतलब केवल मेन वर्ब ना माने, जो कि हमें नहीं मानना चाहिए, वर्ब का मतलब वर्ब के साथ यूज होने वाली ऑक्सिलरीज भी होती हैं, तो अगर जैसे हमने लिखा कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, तो अगर वहां पे आप इतना समझ लो कि उस वर्ब का मतलब केवल मेन वर्ब नहीं है, उस वर्ब का मतलब मेन वर्ब के साथ में यूज होने वाली ऑक्सिलरीज भी हैं, ठीक है, तो अगर हम वर्ब की थोड़ी सी डेफिनेशन वहां पे मतलब अच्छे से समझ लें कि टेंस में जो वर्ब कहा जाता है, तो वर्ब का मतलब केवल मेन वर्ब नहीं होता, वर्ब का मतलब वर्ब के साथ में यूज होने वाली ऑक्सिलरीज भी होता है, और वर्ब का मतलब वहां पे वर्ब फ्रेज भी होता है, तो अगर हम वर्ब को वहां पे वो मान लें, तो फिर तो दो टेंस नहीं, फिर तो आपके टेंसेस सेवन हो जाएंगे, क्योंकि तीन टेंसेस तो हमने पहले से ही समझ रखे हैं कि भाई ये गो गोज और वेंट, ये तो टेंस है ही है, ठीक है। फिर जो हम बी की फॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का, फ्यूचर वो भी हमने साइड रख रखा है, ठीक है, तो दो वो बढ़ जाएंगे, और जो हैव की फॉर्म्स के साथ थर्ड फॉर्म लिख के परफेक्ट टेंस बनाते हैं, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का, दो वो बढ़ जाएंगे, तो थ्री टेंसेस पहले से थे, फोर और बढ़ गए, तो सेवन टेंसेस हो गए ऐसे, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला पॉइंट मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अभी मैं एक सेपरेट टेंस नहीं मान रहा, और उसको मानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का एक साथ में रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कोई सेपरेट या डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से सेवन टेंसेस हो गए। अभी देखिए हम क्या समझ रहे हैं, अभी हमने एक लॉजिक दिया कि टेंस वन होता है, फिर हमने एक लॉजिक दिया कि नहीं टेंस टू होते हैं, फिर हमने एक लॉजिक दिया कि नहीं टेंस थ्री होते हैं, अब हम एक लॉजिक यहाँ पे दे रहे हैं कि नहीं टेंस तो सेवन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब कहानी हो गई, इफ द वर्ब फॉर्म रेफर्स टू सम फैक्ट इन द फ्यूचर देन देयर आर टेन टेंसेस। अब ये मेरा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं वो फैक्ट होते नहीं है, वो मॉडेलिटी होते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज होते हैं, लाइकली सिचुएशंस होते हैं, फैक्ट्स नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं होता। देखिए मोस्ट फ्यूचर इवेंट्स जो होते हैं वो वास्तव में एक प्रोबेबिलिटीज होते हैं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी होते हैं, लाइकली सिचुएशंस होती हैं, फैक्ट्स नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई फ्यूचर इवेंट फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 47वें, हम लोगों को आजादी मिली थी तो
47 से 26 1947 में मिला, तो 1947 का मतलब एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। 55 56 तो 48 और 59 52 हो गए उधर और 72 इधर। तो हम मान ले यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत गलत हो अपना देख लेना, इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 73rd इंडिपेंडेंस डे इन 2021। देख लेना अगर ये 73rd नहीं 74th हो, तो वो केवल लैंग्वेज समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ अपना, उसको सही कर लेना। अब देखिए, अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 73rd इंडिपेंडेंस डे इन 2021, देन इज इट अ प्रोबेबिलिटी और अ लाइकली सिचुएशन? इंडिया जो 73rd इंडिया का, मैं विल सेलिब्रेट की अगर विल भी लिख दूं ठीक है तो भी काम चलेगा, इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स 73rd इंडिपेंडेंस डे इन 2021, देन इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट अ लाइकली सिचुएशन, इट इज अ सर्टेनिटी। ये एक डेफिनेट फैक्ट है भाई, 1947 में हमें आजादी मिली, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलेंगे तो जो भी हमारा 73rd होगा 74th होगा, वो मैं भी मतलब कैलकुलेट नहीं करने जा रहा है, ठीक है, वो मैं समझ लेना। तो ये तो एक फैक्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years नेक्स्ट वीक। मान लो मैं किसी जगह पे रह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ मुझे यहाँ पे 5 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब 5 साल हो चुके होंगे रहते हुए, ठीक है। तो इस ये तो फैक्ट है। तो अब मैं उन लोगों को मतलब एक यहाँ पे पॉइंट देना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर इवेंट्स को आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं, वो फ्यूचर इवेंट्स को टेंस मानते ही नहीं, वो कहते हैं फ्यूचर इवेंट्स तो फैक्ट है ही नहीं, वो उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, फ्यूचर इवेंट्स फैक्ट्स भी हो सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे फ्यूचर इवेंट्स फैक्ट होते हैं, क्योंकि वो नहीं होते हैं, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज भी होती हैं, मॉडलिटी के थ्रू भी फ्यूचर एक्शंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर इवेंट्स फैक्ट्स भी होते हैं। अब ये जो इवेंट है, इस तरीके के इवेंट्स है, तो फैक्ट होते हैं फ्यूचर के, ठीक है। अब एक चीज और समझना, अब इस तरीके से देखें तो फ्यूचर के एक्शंस हैं वो भी आपके इंडिकेटिव मूड में मान लिए जाएंगे, और वो फिर आपके मतलब दे विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ टेंसेस, फिर आपको टेंस मान के उनको ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर रेफरिंग टू फैक्ट, क्योंकि वो तो फैक्ट को रेफर कर रहे हैं, आप फैक्ट को रेफर कर रहे हैं तो इंडिकेटिव मूड है, इंडिकेटिव मूड है तो फिर टेंस है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आई कि हमारे पास 7 टेंसेस पहले से थे, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को अभी भी नहीं मान रहे, हम उसको अभी भी बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 टेंसेस हमारे पास पहले से थे, अब फ्यूचर के जो एक्शंस हैं उनको भी हमें टेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर का हटा देते हैं, लेकिन जो फ्यूचर का इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, उसको अगर ऐड कर लें तो 7 3 10, ये तो 10 टेंसेस हो गए, ठीक है। तो अगर हम वर्ब की फॉर्म जो है वो फ्यूचर के किसी फैक्ट को रेफर करें जो कि वो कर सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई कहता है फ्यूचर के इवेंट फैक्ट ही नहीं होते, दैट्स नॉट करेक्ट, ये गलत है, ठीक है। तो फ्यूचर के इवेंट्स फैक्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्यूचर के फैक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उस केस में तो फिर आपके पास 10 टेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। एक एक गो गोज वेंट तो पहले से ही थे, और ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट के परफेक्ट और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस और पास्ट के परफेक्ट हमने 4 बढ़ा लिए थे, ठीक है। और अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट बढ़ जाएंगे, ये तो 10 टेंसेस हो गए। मैं आपको देखो बीच में हो सकता है ऐसा लग रहा हूँ कि यार ये पर्सन, इसने तो कहा था शुरुआत में कि वे समझाएंगे आपको, अब आपको लगेगा भाई ये तो बहुत बुरे तरीके से बुझा दिया। एक्चुअली में होता यही है, जो भी हो ना वो कंप्लीट हो, या तो समझो समझाओ तो कंप्लीट, और नहीं तो उलझो उलझाओ कंप्लीट। जब आधा आधा मामला होता है ना, वहीं पे कंफ्यूजन होती है कि बच्चे को आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया, अब वो बेचारा बुरा फंसेगा। जब वो पूरे तरीके से उलझ जाएगा ना, तो वो कोई रास्ता ढूंढेगा, कहीं से समझने की कोशिश करेगा, कहीं जाके कुछ सीखने की कोशिश करेगा, थोड़ा हाथ पैर मारेगा, तो उसको सच पता चल जाएगा। हम बच्चों को जब आधा उलझाते हैं ना, वो गलत होता है। आपको उलझाना है ना, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से उलझा दो, जिसके तरीके मतलब पूरा, जब उसको आप कंफ्यूज कर दोगे, पूरे तरीके से कंफ्यूज कर दोगे, तो होगा क्या, वो किसी चीज को मानेगा तो नहीं, किसी गलत को सही तो नहीं मान लेगा, ठीक है। जब आप उसको आधा कंफ्यूज करते हो ना, तो फिर वो गलत को सही मान लेता है। खैर मैं कंफ्यूज भी नहीं कर रहा है, ये तो बस ऐसे लॉजिक्स थे मैं आपको देना चाह रहा था, कि अगर हम अपने मनगढ़ंत तरीके से ही टेंस को पढ़े और पढ़ाएं, तब तो मेरे पास बहुत से लॉजिक्स हैं,
मैं बहुत तरीके से टेंस को प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, ये सब लॉजिक्स मैं इसीलिए दे रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मैं इनको सच नहीं मानता, ये मैं केवल आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम अपने मन के हिसाब से टेंस पढ़ने पढ़ाने लग जाएंगे तो ये जो हमारा पूरा ग्रामर का एक अच्छा सा मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक पैटर्न है, लोग उसको समझते नहीं है इसलिए उसका मजाक बना देते हैं। उन्हें लगता है कि पूरे इंग्लिश ग्रामर या पूरी इंग्लिश लैंग्वेज वो रूल से ही सीखी जा सकती है, एक्सेप्शन से सीखी जा सकती है, ऐसे लोग बदतमीजी देते हैं बीच में, ठीक है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि नहीं, ये एक वेल कोडेड लैंग्वेज है और मतलब सिस्टमेटिक है और एवरीथिंग इज एक्सप्लेनेबल, यहाँ पर हर एक चीज एक्सप्लेनेबल है और वेल अरेंज्ड है, वो इसके साथ मजाक नहीं करते। लेकिन जो लोग इसको समझते नहीं है पूरा, मतलब या तो समझते नहीं है या पूरे तरीके से इंग्लिश को अच्छे से नहीं समझते, वो लोग इसका मजाक बना के रख देते हैं, वो ये बदतमीजियां फैलानी शुरू करते हैं, ठीक है। वो फिर इस तरीके के लॉजिक्स देते हैं जैसे मैं आपको अभी दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें होता क्या कि जो बच्चा समझदार होता है, सीखने वाला होता है, जिज्ञासु होता है, वो कहीं ना कहीं पे अधूरी जानकारी के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपने बच्चे का अपने स्टूडेंट का नुकसान कर देते हैं। खैर अभी तो लॉजिक्स में खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी और देखो बदतमीजी, ठीक है। ये तो लोग बच्चों के सामने पॉइंट्स रखते हैं ना, तो बच्चा तो समझदार इतना होता नहीं, इतना दूर का सोच पाए, समझ पाए, सर से क्वेश्चन करे, क्रॉस क्वेश्चन करे, ठीक है, कि सर को अपने अंदर सुधार करना पड़े। ऑनलाइन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग होती नहीं है, सर को जो आया मन में अपना कह के चले गए। अब मेरे सामने आके बातें करो ना, फिर मैं आपको समझाऊं टेंस कितने होते हैं, ठीक है। अब लेकिन चलो खैर आ जाओ, अब एक चीज और देखना, एक मेरा पॉइंट और भी है। इफ वी कंसीडर ईच वर्ब फ्रेज अ डिस्क्रीट वर्ब फॉर्म देन देयर आर एटलीस्ट फोर टेंसेस। अगर हम हर एक वर्ब फ्रेज को एक डिस्क्रीट वर्ब फॉर्म मान लें, जैसे कि हम गो और गोज को और वेंट को डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स मान रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। अब जैसे इज गोइंग है इसको और हैज गॉन है इसको, हम डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स मान रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए फाइव डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हम इज गोइंग को और हैज गोन को अलग अलग वर्ब फॉर्म मान रहे हैं, तो इसी तरीके से अगर हम इज गोइंग के अलावा आर गोइंग को और एम गोइंग को अलग अलग मान लें, भैया अलग अलग ही हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी इज है, इसकी ऑक्सिलरी आर है, इसकी ऑक्सिलरी एम है। और इसी तरीके से अगर हम वॉज गोइंग को और वर गोइंग को दो अलग अलग मान लें, अगर हम वॉज गोइंग को वर गोइंग को दो अलग अलग फॉर्म मान लें, ठीक है, तो अगर हम हर एक वर्ब को या हर एक वर्ब फ्रेज को एक डिस्क्रीट वर्ब मान लें, अलग सेपरेट मान लें, ठीक है, तो कम से कम 14, मतलब और भी होंगे लेकिन एटलीस्ट 14 टेंसेस तो हमारे पास होंगे ही होंगे। कैसे देखो, गो गोज वेंट तो पहले से ही थे, अब एक इज गोइंग है, एक एम गोइंग है, एक आर गोइंग है, हम इन तीनों को अलग अलग वर्ब फॉर्म मान रहे हैं क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी इज है, इसकी एम है, इसकी आर है, ठीक है। भले ही इनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहो, लेकिन इसको कहो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ए, इसको कहो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बी, इसको कहो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सी, ठीक है। हैज गोन अलग है, हैव गोन अलग है, ठीक है, वाज गोइंग अलग है, वर गोइंग अलग है, हैड गोन अलग है, ठीक है, वाज और वर अलग है। अच्छा, विल के साथ अगर मैं चाहूं तो शैल को भी अलग मान सकता हूं, लेकिन हम शैल को अलग नहीं मानते क्योंकि विल शैल एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो हम विल ही मान लेते हैं, विल और शैल एक ही है, ठीक है, तो हम इसे अलग अलग नहीं मानते, उनको अलग अलग मान लेंगे तो नंबर ऑफ टेंसेस और हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 14 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अब ये तो 14 वर्ब फॉर्म्स हो गए, तो ये 14 डिस्क्रीट टेंसेस हो गए। तो कहानी पता क्या है, ये इस तरीके के लॉजिक्स जो हैं हमें बच्चों के साथ में नहीं डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि जब आप बात का बतंगड़ बनाओगे तो फिर दूसरे भी बना सकते हैं, ठीक है। मजाक बना के पढ़ाई लिखाई का मत करो, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बच्चे हमारे इतना साल इंग्लिश सीखने में लगा देते हैं, इतने साल थोड़ी लगाए जाते हैं, एक बार तमीज से पढ़ो। अगर हमारे स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स हैं बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक, या मैं कहता हूँ गाँव देहात में 10th नहीं 12th तक मान लेते हैं, ठीक है, जो शहर है मेट्रो सिटीज वगैरह है वहां तो 10th तक आपको लैंग्वेज बच्चे की कंप्लीट कर देनी चाहिए, लैंग्वेज का सिलेबस, कि उसको फर्दर लाइफ में कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, कोई बिजनेस करना है, फॉरेन जाके पढ़ना है, ठीक है, तो उसको लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ना पता चले वो 25 साल का हो गया फिर से उसको नाउन के टाइप पढ़े जाके, 25 साल का 30 साल का हो गया वो कंफ्यूजन में घूम रहा है कि टेंस दो होते हैं कि 12 होते हैं, ठीक है, ये क्या बदतमीजी आप लोगों ने फैला रखी है, ठीक है, ऐसे नहीं अच्छा होता। मजाक बना के पूरा पढ़ाई लिखाई कर रख दिया, आप इंग्लिश सीखने के लिए इतने ज्यादा बच्चा अपना रिसोर्स खत्म कर रहा है, इतना ज्यादा अपना टाइम खत्म कर रहा है, अपना इतना ज्यादा मतलब अपने टाइम डिवोट कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए,
इतना टाइम नहीं लगता है। लैंग्वेज तो आप बच्चे का 12वीं 12वीं क्लास कंप्लीट हो, बस उसको लैंग्वेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। लैंग्वेज आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो, उसको फ्रेंच सिखाना चाहते हो, जो भी सिखाना चाहते हो, ये क्या हो रहा है जिंदगी भर इंग्लिश पढ़ रहा है, उसके बाद में कन्फ्यूजन चल रहे हैं, उसके बाद उसके कन्फ्यूजन खत्म ही नहीं होते कि टेंस 2 होते हैं कि टेंस 12 होते हैं। ठीक है, ये मजाक हमें नहीं बनाना चाहिए। बीइंग अ टीचर वी मस्ट हैव द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर हो हैं तो हमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हमें मतलब कुछ गड़बड़ करने की मतलब वजह नहीं बन जाना चाहिए। खैर अब मैं बात खत्म करता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है कि इंग्लिश में 12 टेंसेस ही होते हैं। ठीक है, अगर कोई ये कहेगा कि इंग्लिश में 2 टेंसेस होते हैं तो मैं 1 प्रूव कर सकता हूँ, मैं 14 प्रूव कर सकता हूँ, मैं 7 प्रूव कर सकता हूँ, मैं 10 प्रूव कर सकता हूँ, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, अभी तो 4 मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, तो मैं 4 भी प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं होता। जो हमारे लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, इसके साथ में मजाक नहीं कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, आप 12 भी पढ़िए, आप 12 भी बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि जब आप टेंस के साथ में छेड़खानी करेंगे, टेंस को लेकर बच्चे के दिमाग में डाउट्स डाल देंगे, तो फिर वो बच्चा आप वॉइस और नरेशन में भी कंफ्यूज होगा। वो बच्चा खास करके जो दिमाग लगा के सीखना और समझना चाहता है वो कंफ्यूज होगा। अच्छा, जो बिना दिमाग लगाए सीखता है, जो केवल याद ही करता है, उसको तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। आपने कहा 2 टेंस है तो उसने 2 मान लिया, फिर जाके नरेशन में आप उसको कह दोगे 12 टेंस होते तो 12 मान लेगा। वो इतना दिमाग ही नहीं यूज करता कि वो सोचे कि सर ने कहा था टेंस में कि 2 टेंस होते हैं, आज वॉइस पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं 12 टेंस होते हैं, नरेशन पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं 12 टेंस होते हैं, क्योंकि उसको इतना दिमाग नहीं है, वो दिमाग यूज नहीं करता, वो केवल याद करने के लिए पढ़ रहा है। लेकिन जो बच्चा दिमाग यूज करके पढ़ता है वो कन्फ्यूज होगा, वो सोचेगा जैसे टेंस पढ़ा रहे थे तब तो सर ने कहा था कि टेंस 2 ही होते हैं, अब टेंस नरेशन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हमें 12 टेंस लिखवा रहे हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिटी हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिटी हो जाएगा, तो ये क्या बदतमीजी दे रहे हैं। तो हम बेमतलब अपने बच्चों को कन्फ्यूज ना करें। ठीक है, बी सेंसिबल, समझदार बने हम। ठीक है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएं और अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि उनको फर्दर टाइम में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, उनका क्लैरिटी का लेवल बढ़े तो बढ़ता रहे, धीरे 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 बढ़ता रहे। मतलब बच्चा अपनी वजह से गड़बड़ कर ले तो ठीक बात है, लेकिन टीचर होने मतलब हमने उसको पढ़ाया इस वजह से उसके साथ गड़बड़ ना हो। तो मैं फिर से कहता हूँ, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो मेरा पॉइंट है ना, वो मेरे दिमाग में हमेशा डाउट रहता है। लेकिन अब मैं अपनी वजह से ऐसा नहीं कहना चाहता कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हटा दो और केवल 9 टेंसेस ही मान लो। ठीक है, अब 12 टेंसेस ही पढ़ो, क्योंकि आपको वॉइस में भी वही पढ़ना है, नरेशन में भी वही पढ़ना है, तो टेंस 12 होते हैं तो 12 भी होते हैं। ठीक है, ना ये 2 होते हैं, ना ये 4 होते हैं, ना ये 8 होते हैं, ना ये 14 होते हैं, ना ये 10 होते हैं। ठीक है, टेंसेस 12 होते हैं, पूरा सिस्टम ताना बाना आपस में कनेक्टेड है। हमारे स्कूल के जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉलेज के टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें डेस्परेशन में आके और ज्यादा मतलब हीरो बनने के चक्कर में, ओवर एक्टिंग करने के चक्कर में पढ़ाई लिखाई को मौकरी नहीं बना देना चाहिए कि मजाक बना के रख दिया, हर एक चीज का मखौल कर दिया, जो कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, जो एक एस्टेब्लिश पैटर्न है आप उसको फॉलो करें, जिससे कि अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल ये है कि बच्चा जो सीखे वो क्लैरिटी से सीखे और वो जिस पर्पज के लिए सीख रहा है वो उसका पर्पज पूरा हो, लाइफ में वो आगे बढ़े, मूव ऑन करे। ये नहीं कि हमने उसको लटका के रख दिया, वो 30 साल तक टेंस ही टेंस पढ़े जा रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो हमारे टीचर्स का रोल ये नहीं है। ठीक है, तो देर आर 12 टेंसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम टेंस की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन सही लेकिन अलग हो गया ना भाई, मान लो ये ए है, ठीक है, और ये बी है, और ये ए बी है, तीनों को अलग अलग ही मान ले तो क्या नुकसान है भाई? ये ए हो गया 1, ये बी हो गया 2, और ये ए बी हो गया 3। हम ये क्यों कहें कि ये भी अलग नहीं है, वो इनका मिक्सर है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम अलग ही मान लेते हैं। मैं अपना लॉजिक अपने आप ही फेल कर देता हूँ। ठीक है, दूसरी एक छोटे से पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रखना, वॉइस एंड नरेशन यूजेस डिपेंड ऑन द यूसेज ऑफ टेंसेस। वॉइस एंड नरेशन के जो यूसेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, यूसेज ऑफ टेंसेस पे। तो टेंस के साथ में कोई भी छेड़खानी वॉइस नरेशन के साथ में छेड़खानी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज, जो बच्चा समझदार है, जब आप उसको वॉइस नरेशन पढ़ाओगे और वहां पे जब टेंसेस के रेफरेंस दोगे तो आप अपनी बात को खुद ही काउंटर कर लोगे, फिर जो समझदार बच्चा होगा वो आपका मजाक बनाएगा, नहीं मजाक बनाएगा, कम से कम कंफ्यूज हो जाएगा, ज्यादा सीरियस टाइप का बच्चा है तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, डोंट टीच और लर्न एनीथिंग विच यू डोंट अंडरस्टैंड वेल। कोई भी ऐसी चीज मत पढ़ाया पढ़ाया करो बच्चों को जिसको आप समझते नहीं हो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, हीरो बन जाना बहुत आसान होता है, एक ही बात में तुरंत ही आपने कोई बात कही और हीरो अपने को साबित कर दिया, लेकिन उसको बनाए रखवाना मुश्किल होता है, क्योंकि जब डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, जब दूसरे लोगों के व्यूज आएंगे, तब वो आपका व्यू, आपका जो पॉइंट था वो कितना वैलिड रहेगा, ये भी हमें सोच लेना चाहिए। तो ऐसी चीजें ना पढ़े या पढ़ाएं बच्चों को जिनको आप खुद अच्छे से नहीं समझते। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर इट। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हम, कोई कहता है टेंस 2 होते हैं, कोई कहता है टेंस 12 होते हैं, ठीक है, मैं तो आपको इतने लॉजिक दे रहा था कि टेंस 1 भी होता है, टेंस 7 भी होते हैं, टेंस 3 भी होते हैं, टेंस 2 भी होते हैं, टेंस 10 भी होते हैं, टेंस 14 भी होते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये बेकार की बात है, इनमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें टेंस पढ़ना है, टेंस को अच्छे तरीके से सीखना है और उसका अप्लाई करना है और लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनना है, और फिर जिस पर्पस के लिए हम सीख रहे हैं लैंग्वेज को उस पर्पस को अचीव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बाकी तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, और टेंस से रिलेटेड अगर आपके अपने कोई डाउट्स हैं या फर्दर आपके अपने कुछ पॉइंट्स हैं, अपने कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको लगता है शेयर करने चाहिए, तो उस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें, मतलब अपने पॉइंट्स जो भी आपके आपके लॉजिक्स हैं या इस वीडियो को लेकर आपको कैसा लगा वो बाद में अपने पॉइंट्स में, अपने कमेंट्स में अपने पॉइंट्स लिखें। ठीक है, तो रेस्ट श्योर्ड देयर आर ओनली 12 टेंसेस। ठीक है, मतलब शांत रहें, 12 टेंस होते हैं, उनको उसी तरीके से पढ़ें तभी हम लैंग्वेज सीख पाएंगे, नहीं तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ लोग पढ़ाई लिखाई का मजाक बना के रख देते हैं, जोकराई करते हैं, ठीक है, अब वो बंदर के हाथ में मसाल वाली बात है कि बंदर के हाथ में उन्हें मसाल पकड़ा दिया तो वो उसे उजाला नहीं करता, वो उसे आग लगा देता सब जगह, तो ऐसी कहानी है, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।